इधर आ, सुनो इधर। अच्छा हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। सुबह के 11 बजे हुए हैं, तो अभी मैंने कनागत पूजने की तैयारी कर दी है। उसके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ हलवा। आज हलवा ही बनाएंगे क्योंकि दूध अब हमारे यहाँ कम ही हो रहा है, खीर नहीं बन रही है। खीर पहले भी मैंने दूध रख लिया था शाम का उठा के, तो बन गई थी, पर अब की बार मैं हलवा बना रही हूँ। हलवा बनाने के लिए मैंने सूजी को भून लिया है, ये ब्राउन ब्राउन सी होने लगी है। और इधर मैंने इसकी चाशनी भी पकनी रख रखी है, चाशनी में भी खूब उबाल आ चुका था। और देखिए हलवा बन के तैयार है। ऊपर से मैंने इसमें गोला डाल दिया और कितना अच्छा कलर आया हलवे का, इतना प्यारा लग रहा है देख के, खाने का मन हो रहा है ना। तो आ जाइए आप सब भी। इधर मम्मी मोनिका के लिए बना रही है खीर, मखाने डाल के, काजू बादाम डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के, सभी तरह की खीर बना दी है। अभी थोड़ा ही भूखे होंगे सिर से, और थोड़ा नहीं भाई, अब तब कब हुआ नहीं पड़े तो बो देते, बीज लाई थी मैं। अरे तू क्या बात है बेटा, अरे मेरा नाम रे, अरे मेरा जन्म, अरे ना बेटी मर जा भाई, सुना बीमारी मारी, अरे मेरा बेटा रे, अरे तू साहब कर दा मर, ना ना को भी आ रहे हैं, हट जा ना को भी आ रहे हैं, अरे नाने से भी बीमारी भाग रही है। तो फ्रेंड्स ये पानी आया है, कह रहे हैं इससे सारे रोग जा रहे हैं पीने से, वहाँ पे बहुत दुनिया है जो पानी पी पी के आ रही है और लेके भी आ रही है। अब तो टैंक भर भर के रखे जा रहे हैं और नहा भी रहे हैं वहीं पे। और आज मैं बना रही हूँ साग, साग उबाल लिया है, अब ये मिक्सी में ही घुटूंगी, जब बिजली आ जाएगी, अभी लाइट नहीं आई, मिक्सी में ही घुटेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी। आप सभी ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो वीडियो मैंने शुरू कर ली है और सुबह तक की तो चली गई, अब फिर मैं दोपहर बाद से बनाई है, शायद याद नहीं है मुझे, बनी भी नहीं है दोपहर की कोई वीडियो, पर अभी शाम से स्टार्ट की है। और पानी पी पी के सबके रो भाग गए, भाग गए भाई, मार चला आप भी पीला भाग गए सीधा, हाँ भूख भी भाग गई, पापा के हो रहा था आरो आरो के जैसा लग रहा, बड़े चाहिए थे सर, टैंक में भी तो भर रहे हैं वहाँ पर, टैंक में भर भर के बोतल भरवा रहे, वो मछली मका फिर तो कोरोना भाग जाता, पहले से नहीं किसी ने रुका मचाया। तो चलिए पानी तो पी लिया, भाई साहब लेके आए थे, हमारे पास में ही पड़ता है वो गांव जिसमें इतनी वो मची हुई है पानी की को लेके कि सारे रोग भाग रहे हैं उस पानी को पीने से, नल के पानी को पीने से। वहां पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है और इतनी भीड़ रहती है कि नंबर भी नहीं आता। तो आप सब भी ट्राई कीजिएगा, वैसे हमने तो पी लिया यहीं पर मंगवा के, देखते हैं अगर जाना होगा तो घूम के भी आएँगे, देखते हैं वहाँ की क्या हालत है। तो अभी बना लेते हैं साग, और साग मैंने मिक्सी में घोट लिया था क्योंकि देर इतनी हो रही है, वैसे अंडे में भी घोट सकती थी पर लेट हो जाएगा, वैसे भी लेट हो गया है। इधर दाल रखी है मूंग की मोनिका के लिए, और यहाँ पे मैंने कुकर में घी डाल लिया, लहसुन प्याज डाल दिया, और ये है साग जो कि मैंने मिक्सी में कर लिया था। और अभी छौंक हो जाएगा, छौंक में मैंने मेथी भी डाली है, और ये मैंने अदरक कस के रख लिया है इसमें, जब छौंक हो जाएगा तो इसमें अदरक डाल दूँगी, और अदरक डालने के बाद फिर इसमें मैं साग को फ्राई कर दूँगी, साग बन के तैयार हो जाएगा। काफ़ी दिनों से मन कर रहा था साग का, और मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया। बाज़ार में बस सरसों और पालक का ही साग मिला था, और मेथी का चने का ये सब नहीं था, तो फिर मैंने आज सरसों का और पालक का ही बना लिया। अभी छौंक मेरा हो चुका है, इसमें मैंने अदरक भी ऐड कर दिया, हींग भी डाल दिया, अभी मैं इसमें साग डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आज मैंने शाम के 4 बजे रख दिया था उबलने के लिए, फिर भी वही टाइम हो गया, अंधेरा सा होने लगा है, अब तो दिन ऐसे ही भाग जाता है। और मैं सच बताऊँ ना, मेरा सुबह से लेके शाम तक क्या रात के 9 बजे तक भी बैठना नहीं हो पाता,
अब की बार तो कुछ ज़्यादा ही काम हो रहा है। मैं चाहते हुए भी बिल्कुल भी 2-4 मिनट के लिए आराम नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो फिर मेरे सारे ही काम को लेट हो जाता है अगर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाऊँ तो। इसी वजह से मैं रात के 10 बजे फ्री हो जाती हूँ और 11 बजे तक मुझे लेट ना मिलता है और फिर सुबह को 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो बस यही चलता है पूरे दिन का मेरा रूटीन, खाना पीना और कपड़े धो लेना और झाड़ू पोछा, यही रहता है पूरा दिन। आप सबको भी मैंने खुशखबरी सुनाई थी, मेरे भैया की शादी है तो उसमें जाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे और आप सबको बहुत ही अच्छे अच्छे भी लोग देखने को मिलेंगे। हमारे वहाँ का भी जो भी तरीका है शादी ब्याह का, जो भी रस्में हैं, वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। साग बस अब बन जाएगा। झाड़ू लगाने के लिए आई हूँ फ्रेंड्स, बरामदे में कहीं भी जगह नहीं झाड़ू लगाने की। तो फ्रेंड्स अभी मैंने वीडियो सुबह से शुरू कर ली है क्योंकि कल मैं एंड नहीं कर पाया, उसके बाद मेरा कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया और अभी मैंने सुबह से शुरू कर ली है। ये जो हम खराटी लाए थे काट के, खराटी बोलते हैं इसको, आज मैं इसके रड़के बना के इसी से झाड़ू लगाने वाली हूँ, देखते हैं कैसे बनेंगे। तो मैं आ चुकी हूँ भुसवाले में ही रखे हुए हैं, हमारे भुसवाले की भी हालत देख लीजिए। अब मैं सोच रही हूँ कि भुसवाले में ही रहने लगते हैं, है ना। काफ़ी बड़ा कमरा है, इसमें बहुत ही अच्छे से सामान भी आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा रूम है, मुझे चाहिए भी बड़ा कमरा। वैसे अगर इसमें काम करवा लिया जाए, इसकी मरम्मत करवा ली जाए तो ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट हो जाएगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा इसमें सामान, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये, सबसे बड़ा शायद हमारे घर में यही कमरा है। कमरा क्या, दुकड़िया बोलते हैं हम इसे, भुसवाला दुकड़िया। तो फ्रेंड्स आज इनका लड़का बना के देखते हैं कैसे झाड़ू लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो अभी मैं नीचे आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, नाश्ता बना के नीचे झाड़ू लगा लेते हैं सारे में। और मैं खड़ी हूँ कहाँ भुसवाले में खड़ी हुई हूँ क्योंकि बाहर म्यूजिक बज रहा था और फिर कॉपीराइट आ जाता। मैंने सोचा चलिए आज वीडियो की शुरुआत अपने जो पहले उसमें रहते थे ना कड़ियों वाले और कच्चे दुकड़िए कच्चे कमरे रहते थे ना, उससे शुरुआत करते हैं आज। इसमें भुस भरा हुआ है हमारा और यहाँ पे कच्चा ही है, देखिए चाहे गोबरी फेर लो यहाँ पे। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं। रड़का तो बन चुका है, अब इसकी ट्राई ले ली जाए कैसी झाड़ू लगती है इस पर, देखते हैं लगानी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कहाँ चढ़ रही है बच्चिया हमारी, खोर में ही चढ़ी रहती है ये हर टाइम, इसको ना मस्ती सूझती रहती है। और अब की बार कनेर पे बहुत सारे फूल आ रहे हैं, देखिए ये रोज़ ही झड़ जाते हैं नीचे, इस पे रुकते नहीं एक भी दिन। और यहाँ पे बेल भी है करेले की, बच्चों ने बीज बोया था यहाँ पे और एक ही बेल हो गई है करेले की, तोरी के भी बोए थे, तोरी तो नहीं हुई पर करेले की अभी चढ़ने लग रही है कनेर के पेड़ पर थोड़ी थोड़ी सी। और ये देखिए अभी भी नहीं उतरी इसमें से, इसमें खड़ी हुई है। पहले इधर ही लगा लेते हैं आंगन में क्योंकि फिर ट्रैक्टर ट्रॉली जाएगा तो फिर से यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। उधर अगर पहले झाड़ू लगा दी मैंने गैली और बरामदे में तो वहाँ पे फिर से ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि झाड़ू लगी ना हो। तो मैं इधर लगा लेती हूँ जब तक ये ट्रैक्टर ट्रॉली भी चला जाएगा, फिर उधर लग जाएगी। अभी मुझे यहाँ पर झाड़ू लगानी है और पोछा भी लगाना है नीचे, फिर देखती हूँ। अभी ऊपर का काम ऐसे ही छोड़ के आई थी मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद, फिर नाश्ता दे के पापा जी और मम्मी को नीचे ही आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। बर्तन भी पड़े हुए हैं अभी ऐसे ही और देखती हूँ जाके ही करूँगी, रसोई का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छा सी कर रहा है इससे, बहुत ही मुलायम लड़का है, तुड़ी के लड़के से भी मुलायम है अभी तो फ़िलहाल, जब तक ये हरे रंग का है तब तक तो मुलायम है। और जो इसको हमने धूप में रख दिया सुखाने के लिए तो फिर ये बहुत ही टाइट हो जाएगा, फिर तो ये ज़्यादा ही जहाँ पे ऐसा है जैसे कि पशुओं के नीचे धोने के काम आएगा, फिर बहुत ही अच्छा रगड़ के धोता है, गोबर भी सारा उतार देता है, इतना टाइट हो जाता है जैसे सीख की झाड़ू होती है बांस की। भुसवाले की जो छत है उस पर घास उगता ही रहता है, हमने अभी पीछे से बहुत ही घास हो रहा था तब सारी ही मैं हमने खुरच दी थी, सारी काट ली थी, अब फिर से हो गई है इतनी बड़ी बड़ी घास। तो अब देखते हैं, यहाँ पे बंदर का भी तो बहुत ज़्यादा वो रहता है, आना जाना यहीं से रहता है बंदरों का, तो डर लगता है इस पे चढ़ने को भी मन नहीं करता क्योंकि पता नहीं किस किधर से किस टाइम बंदर आ जाए। ये टंकी 2-3 दिन से सूखने लग रही है, यहीं पे धूप रहती है शाम तक, इसे धोया था तो धोने के बाद यहीं पर रख दिया था, सूख जाएगी 2-3 दिन में अच्छे से।
गाय हमारी कर रही है आराम, क्योंकि इससे अब ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब हमारे घर में एक और मेहमान आने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है। तो गाय हमारी अभी उदास है, आज भी बैठी हुई है, घास भी कमी खा रही है। तो अभी मैं भी बस झाड़ू लगाने के बाद इधर का करके फिर फटाफट से ऊपर चलते हैं। ऊपर का भी सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो भी पता नहीं कब तक समेटने में आएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आप सबको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। श्राद्ध ख़त्म होने के बाद फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, शॉपिंग स्टार्ट कर देंगे शायद नवरात्रों में ही। तो मैं मोनिका को नहीं दिखा रहा आप वीडियो में, कल मोनिका को ही दिखाऊंगा आज। मैं लल्ला मोनिका से भी लल्ला सोरा लड्डू। तो रात को रोवे, रात को जागरण करे, दिन में सोवे। सबने अलग अलग नाम दे रखे, कोई विभू, कोई लड्डू, कोई छोटू।